नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं दिन की 10 खबरों पर। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 दिनों से मौसम बदलने की वजह से दिन का पारा भी 60 डिग्री तक गिरा। बीएसएफ का डिप्टी कमांडेंट बना नटवर लाल। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी के नाम पर ठगे 125 करोड़ रुपए। बलरामपुर में भालू की मौत से मचा हड़कंप, जांच में जुटी वन विभाग की टीम। पीएम मोदी ने मकर संक्रांति, बिहू, भोगी और पोंगल पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के वर्धा के अस्पताल परिसर में भ्रूणों के मिले अवशेष। बंगाल में कोरोना के बढ़ते केस पर हाईकोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से निकाय चुनाव स्थगित करने को कहा। अखिलेश यादव से मिले स्वामी प्रसाद, बोले कल से आएगा तूफान और भाजपा के परखच्चे उड़ जाएंगे। केदारनाथ मंदिर को बम से उड़ाने को मिली धमकी, मुकदमा हुआ दर्ज। रूस के साथ तनाव के बीच यूक्रेन का बड़ा साइबर हमला, कई सरकारी वेबसाइट बनी निशाना। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।